नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। इस खास पेशकश में आपको ये पेशकश सोचने पर मजबूर कर देगी। अपने बच्चों की सेहत को लेकर सभी माता पिता जागरूक रहते हैं और इस बात की पूरी फिक्र भी करते हैं कि बच्चा अच्छा खाए, लेकिन अच्छे खाने का पैमाना क्या होना चाहिए? जीभ पर स्वाद घोलने वाला खाना या फिर शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने का विटामिन और मिनरल से भरा भरपूर खाना। वैसे तो यह बात हजारों दफे आपने सुनी होगी और सुनकर आप भूल भी गए होंगे, लेकिन क्या हो अगर ये छोटी सी लापरवाही आपके कलेजे के टुकड़े से ये रंगीन दुनिया देखने का हक ही छीन ले। आपके बच्चे की नजर कमजोर है या फिर उसे सुनने में दिक्कत है? डॉक्टर को दिखाने से पहले जरा बच्चे की थाली जरूर देख लें। जी हां, आपको सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हमारी बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे, क्योंकि आपके बच्चे की ही तरह भारत से हजारों मील दूर ब्रिटेन में एक टीनेजर के साथ जो कुछ हुआ वो किसी भी परिवार की कहानी हो सकती है। ब्रिटेन में रहने वाले एक 17 साल के टीनेजर की आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। अब टीनेजर के माता पिता ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें पता चला कि रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर ने उसका यह हाल किया, जिससे उसकी आंखों के बीच ब्लाइंड स्पॉट बन गया है और ऑप्टिकल फाइबर नष्ट हो चुके हैं। केस स्टडी से पता चला कि ब्रिटेन के इस टीनेजर ने जिंदगी के 10 साल सिर्फ और सिर्फ जंक फूड पर गुजारे थे। उसके खाने में चिप्स, बर्गर, प्रिंगल्स और सॉसेस के अलावा कुछ भी शामिल नहीं था। सब्जियों और फलों के अलावा अनाज और फाइबर्स को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। प्रोसेस्ड खाना खाने से शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसके शरीर में बढ़ चुकी है, जिससे हड्डियां कमजोर हुई और उसकी सुनने की क्षमता घट गई। हालांकि जरूरी कैलोरी मिलने से लड़के की लंबाई और वजन सामान्य था। ये कहानी आपको बतानी इसलिए जरूरी है कि भारतीय शहरों में, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, बच्चों को खाना खिलाना पेरेंट्स के लिए काफी मशक्कत भरा काम है। ऐसे में कभी उनकी फेवरेट चीज का लालच देकर तो कभी टीवी या मोबाइल दिखाकर उन्हें खाना खिलाने की आदत उनकी जिंदगी में अंधेरा ला सकती है। एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन जर्नल में पब्लिश हुआ ब्रिटेन का यह केस दुनिया में ऐसा पहला मामला है जब जंक फूड ने किसी बच्चे की आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति छीन ली हो। हालांकि प्रोसेस्ड फूड से कैंसर होने, ओबेसिटी और हार्ट प्रॉब्लम्स की बातें कई मेडिकल रिपोर्ट्स में कही जा चुकी हैं, लेकिन पहली बार यह देखा गया है कि विटामिन डेफिशिएंसी के चलते बच्चों का भविष्य यूं अंधेरे में चला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जंक फूड के इतने गंभीर नतीजे पहली बार देखने को मिले हैं। हो सकता है इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आरिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक खुद अभिभावक हैं एसोसिएशन देहरादून में, और काफी लंबे समय से वो इसी तरह के कामों से जुड़े भी रहे हैं। साधना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जंक फूड के खिलाफ ये बहुत कार्य करती हैं, लोगों को अवेयर भी करती हैं, जागरूक करती हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल है डॉक्टर पियाली आपसे कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं आप, जंक फूड की वजह से आंखों की रोशनी चली जाना बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा मात्रा में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जंक फूड परोस रहे हैं, वो भी खिला रहे हैं, क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जहां तक जंक फूड का सवाल है, ये सिर्फ फूड तक सीमित नहीं है।
इसमें जो हम लोग एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, बेवरेजेस पीते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जंक फूड में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो है जंक फूड की वजह से नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी या नॉर्मल फूड जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंक फूड में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं कि हम अपने नॉर्मल आहार में जो पौष्टिक चीज़ें आ रही हैं वो कम हो जाएं, और हमारे जंक फूड से, जो कि जंक मतलब ही वही होता है कि जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ही ना हो या बहुत कम वैल्यू हो, जिससे पोषण हमें न मिल रहा हो। सो ये तो मानना ही पड़ेगा कि पोषण न मिलने की वजह से हमारे शरीर की बढ़ोतरी, हमारे ब्रेन की बढ़ोतरी, हमारे मसल्स की बढ़ोतरी सभी इफ़ेक्टेड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर प्याली। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आमतौर पर जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो जंक फूड की तरफ, फास्ट फूड की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, उनको ये चीज़ पसंद आती है, वो ज़िद भी करते हैं कई मरतबा, और पेरेंट्स भी आजकल बाहर खाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, लेकिन ये कितना घातक साबित हो सकता है इसकी भी एक तय होनी चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि हर चीज़ एक लिमिट में हो तो ठीक होती है। देखिए, जीब में तो बहुत अच्छा लगता है ये जंक फूड, जबान की टेस्ट, इनफैक्ट बहुत कुछ दिन पहले आपको ख्याल होगा वो अजीनोमोटो डालने की वजह से सरकार की तरफ से भी आया था कि इतना सारा अजीनोमोटो मिल रहा था सब चाइनीज फूड में, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हाई सोडियम कंटेंट होता है उसमें। ये बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है कि हाई शुगर्स जिन खानों में होते हैं, जिनको कि हम बहुत चाव से खाते हैं, जो बेवरेजेस हाई शुगर होगा तो शरीर का मैकेनिज्म है कि वो तुरंत जो है इंसुलिन सिक्रीशन करना शुरू करेगा इनको हजम करने के लिए। बार बार जब आप इंसुलिन का चैलेंज देंगे, अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी, और इन बच्चों में सबसे बड़ी बात है मोटापा, और दूसरी बड़ी बात है type 2 diabetes। ये अब पाया जा रहा है कि एडल्ट डायबिटीज अब बच्चों में हो रहा है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, बार बार जो हम तले भुने खाने खा रहे हैं, जैसे कि समोसे की फोटोग्राफ्स भी आपने दिखाई है, समोसे हैं, पाव भाजी हैं, उसी तेल में पूरी बार बार तल रही है, तो वो जो ट्रांस फैट्स होते हैं, रिमेंबर, उससे हमारे हार्ट को बड़ा खतरा होता है, इट इज़ वेरी थ्रेटनिंग फॉर द हार्ट। तो इन बच्चों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, इन बच्चों में हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम्स अर्ली आती हैं, और अब तो 18-19 साल के बच्चे हमारे हॉस्पिटल में आ रहे, जो वहीं गिर जा रहे हैं और हार्ट अटैक। चिंता की बात है, बिल्कुल। हाई सोडियम्स, जो चीज आप बता रही हैं कि बेवरेजेस भी बड़े खतरनाक हैं, शुगर उसमें इतना ज्यादा होता है कि बच्चे अगर उसे लगातार उसका सेवन करते हैं तो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। साधना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट है जी, और साधना जी आपने तो जंक फूड के खिलाफ ही बहुत सारे काम किए हैं, लोगों को जागरूक किया है, क्या आखिर आपको लगता है किस तरह से जंक फूड ने जकड़ लिया है आज की पीढ़ी को? देखिए, हम इस पे 2003 से काम कर रहे हैं, मैंने एक सर्वे भी किया था जिसमें 200 बच्चे निजी स्कूल के थे और 200 प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे। जो बच्चे फास्ट फूड ज्यादा खाते थे वो मोटापे के शिकार पाए गए। जो हमने देखा कि राजधानी का हर पांचवा बच्चा मोटापे का शिकार है, क्योंकि वो रोज जंक फूड खाते थे, सुबह के नाश्ते से लेके रात के डिनर तक वो हर टाइम फास्ट फूड से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनकी मम्मियाँ काम करती थी, उनके जो भाग दौड़ में उनके वो पैसे पकड़ा देती हैं, स्कूल की कैंटीन से वो यही फूड खा रहे हैं, और बजट जा रहे हैं तो वो खा रहे हैं, स्कूल से लौट के आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं तो वो भी वही खा रहे हैं, तो वो पारंपरिक खाने से दूर थे बच्चे। तो उसमें हमने एक अभियान चलाया कि फास्ट फूड के विरुद्ध, हमने कहा कि स्कूल के पास में होर्डिंग नहीं होंगे फास्ट फूड के, स्कूल के पास कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा, स्कूल के पास कोई ठेला नहीं होगा। हमने एक अभियान चला के यहाँ के CMO को, SFA को, और यहाँ तक कि WHO तक का हमने लिखा, और हमने कहा कि यहाँ पे फास्ट फूड के खिलाफ अभियान चला के हमने कहा कि फास्ट फूड को बंद करना चाहिए स्कूल की कैंटीनों में खास, और बच्चों को जागरूक किया जाए कि वो फास्ट फूड से दूर रहेंगे तो अपने स्वस्थ रहेंगे और मजबूत बनेंगे। तो हमने ये करके हमने एक
प्रतियोगिता भी आयोजित की वहाँ पे, मतलब अभी भी हम लोग करते हैं 2003 से लेके अभी तक हम पारंपरिक खान पान की एक प्रतियोगिता करते हैं और मम्मियों को जागरूक करते हैं। जी एक चीज इससे अगर इसमें देख रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि आसपास दुकानें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब तो देखने को मिल रहा है कि मोबाइल पर ही ऑर्डर किया जाता है, घर पर ही जंक फूड मंगाया जाता है, बड़े चाव से उसे खाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे खाने से ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स हैं वो भी गायब हो गए, और ये एक बड़ा कारण है उसका। आरिफ हमारे साथ मौजूद है, आरिफ खान साहब जो खुद एक अभिभावक हैं, अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं। आरिफ खान साहब, आपने तो खुद देखा होगा कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा इस फूड की तरफ जाते हैं, इनको खाते हैं, क्या आपको लगता है कि कैसे बच्चों को रोका जाए या उन्हें समझाया जाए कि आपके लिए अगर आप कभी खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन विटामिन और मिनरल बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि बच्चे को आप तब रोक सकते हैं जब आप स्वयं रुकेंगे। अमूमन क्या होता है कि सुबह जब बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो उसके टिफ़िन में माताजी जो हैं, कई बार देखने में आया है कि बहुत लेट उठने के कारण बच्चे को पैसे पकड़ा देते हैं, और बच्चा स्कूल की कैंटीन से क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि जो जितने भी फूड इंस्पेक्टर हैं हमारे, जितने भी CMO होते हैं, उनको एक चीज़ ये क्लियर होती है कि जो अमूमन दुकानें होती हैं, होटल होती हैं, वो उसका सर्वे जरूर करते हैं, उस पर निरीक्षण किया जाता है, लेकिन देखने में यह आया है कि कभी भी स्कूल कैंटीनों की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है फूड इंस्पेक्टर का कि खाना कितना पुराना है या कितना सही है। और इसके अलावा जब बच्चा आया है तो जैसे आपके आप स्वयं पहले भी बता चुके हैं, आजकल इतनी सारी कंपनियां आ चुकी हैं कि कहीं भी बच्चा छुट्टी में आया नहीं बन पाया खाना तो उसके लिए भी ऑर्डर कर दिया जाता है। इसके लिए पहले हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूलों की कैंटीन को अगर हम अवॉइड करें, उनको बंद किया जाए, तो शायद कुछ हद तक संभव है कि इस चीज़ के बचाव हो सकता है कि बच्चा जंक फूड की अपेक्षा घरेलू खाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। लेकिन ये स्कूलों को भी सोचना होगा कि कैंटीन में कम से कम ऐसा खाना दिया जाए, ऐसी चीज़ें दी जाएँ जो बच्चों के लिए अच्छी हों, हेल्दी हों। आज मैं आपके पास फिर लौटूंगा, सभी के पास। आज से करीब 20 बरस पहले हमारे देश में जंक फूड का चलन इस तरह से नहीं था जिस तरह से आज है। तला भुना खाना हर रोज के खाने में यूं शामिल नहीं होता था जैसे आज के दौर में जंक फूड रच बस चुका है। लेकिन ये हमारी जिंदगी में कैसे धीमा जहर घोल रहा है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, फ्राइज, इनका नाम आते ही बच्चे क्या बड़ों के भी मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन स्वाद के बजाय अगर इन्हें रोजमर्रा के खाने में जगह दे दी जाए तो आपकी सेहत का जो हाल होगा वो कल्पना से परे है। सबसे पहले जानते हैं कि जंक फूड की देन उन बीमारियों के बारे में जिनका नाम आपने शायद ही सुना हो। ब्रिटिश पीडियाट्रिशियन डॉक्टर एटम के मुताबिक फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल न्यूट्रिशनल ऑप्टिक न्यूरोथेरेपी डिसऑर्डर को जन्म देता है। इसमें शरीर में B12, कॉपर, सेलेनियम और विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है। इससे आंखों को ब्रेन से जोड़ने वाली ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचता है। नतीजे के तौर पर आंखों की रोशनी चली जाती है। प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाने से रिस्ट्रिक्टिव फूड इंटेक डिसऑर्डर भी हो जाता है। इसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है। ऐसे में सुनने की क्षमता कम हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। खास बात यह है कि इन दोनों ही बीमारियों में बच्चों की हाइट और वेट सामान्य रह सकता है, जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि बच्चे में विटामिन की कमी हो रही है। इसके अलावा जो बीमारियां जंक फूड के चलते होती हैं उनमें डायबिटीज टाइप 2, ओबेसिटी, स्ट्रोक, अस्थमा, लीवर की बीमारियां, दिल की बीमारियां और पेट संबंधी बीमारियां अहम हैं। यानी बच्चों की थाली पर नजर रखना बेहद जरूरी है, वरना जरा सी लापरवाही उसका भविष्य हमेशा के लिए खराब कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बड़ा अहम है, इन बीमारियों के नाम शायद आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये बीमारियां कई लोगों को हो चुकी हैं और सबसे बड़ा कारण जो है वो है जंक फूड। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, रुख करेंगे। डॉक्टर प्याली, आपने तो देखा कि किस तरह से बीमारियां होती हैं बच्चों को, आपके सामने कई सारे ऐसे केसेस भी सामने आए होंगे, लेकिन मैं बस इतना भर जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जंक फूड आजकल शामिल हो गया थाली में, कैसे इसे इग्नोर किया जाए? आप एज ए डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगी कि अगर जंक फूड ज़्यादा मात्रा में खाया जा रहा है
तो उसके विकल्प के तौर पर उसे स्वाद रखा जाए, अच्छा खाना खाएं, मिनरल्स खाएं, विटामिन खाएं, क्या सजेस्ट करेंगे आप? रोजमर्रा में जो हम खाना खाते हैं, मतलब कि दाल, चावल, एक हरी सब्जी और एक फल, ये हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो मेरे लिए तो ये पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की बीमारी जो है वो पहले ठीक करने वाला है। तो बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन, वो बच्चे पेरेंट्स को देखकर या पेरेंट्स से पैसे पाकर या पेरेंट्स की हैबिट से सीखते हैं, तो पेरेंट्स को इन चीज़ों में एहतियात बरतना चाहिए कि हर सेलिब्रेशन में ये ना कहें कि चलो आज बाहर खाना खाते हैं। घर में जो, जैसे हमारे मदर्स ने, हमारी दादी नानी ने घर में खीर बना के सेलिब्रेट किया या घर में खाना बना के सेलिब्रेट किया, कुछ अच्छा उस दिन बन गया, ऐसा घर ही में बने, अच्छे स्वच्छ तेल में बने, अच्छे से हाइजीनिकली बनाया जाए और हमारे घर ही में हर चीज़ का सेलिब्रेशन हो, सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये चीज़ देखना है। वो लोग रिवॉर्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, अच्छा अगर आपने इस बार इम्तिहान में बहुत अच्छा किया हम आपको बाहर खाना खाने ले चलेंगे। नाउ दैट इज़ समथिंग, वो आप उसको चस्का लगा रहे हैं रिवॉर्ड का, या आप उसको दिमाग से इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि कुछ भी अच्छा हो तो वो बाहर ही मिलता है, घर का खाना नहीं, बाहर का खाना अच्छा होता है। सो एक तो पेरेंट्स को इन चीज़ों को ध्यान देना है, इन चीज़ों को देखना है। दूसरी चीज़ हो गई कि आपको भरपूर मात्रा में, हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर में एटलीस्ट 70-75% तो पानी है, तो पानी का तो कोई ध्यान ही नहीं रख रहा है। ऊपर के बेवरेजेस से, ऊपर के कोका कोला, ऊपर के बेवरेजेस से, इन चीज़ों से हम बच्चे का पेट भरे दे रहे हैं और जो असली चीज़ है पानी, वो उसको भरपूर मात्रा में मिल नहीं रहा है, उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हुआ कि जो पैकेट्स हैं, जैसे सिगरेट्स के पैकेट्स पे अब वार्निंग आने लग गया है, उसी तरह से ये चिप्स के पैकेट्स, कुरकुरे के पैकेट्स, इन पे एक बहुत बड़ा बड़ा वार्निंग आना चाहिए दैट इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। बिल्कुल। दूसरी चीज़, हम लोग फ्रूट्स तो बच्चों को एनकरेज ही नहीं कर रहे हैं, वी शुड बी ऑफरिंग देम फ्रेश फ्रूट इंस्टेड ऑफ, ये जूस पता नहीं कहाँ से चला आया है, वी शुड बी ऑफरिंग देम फ्रेश फ्रूट इंस्टेड ऑफ जूस। वो आपकी थाली में, आपके लंच के, आपके डिनर की थाली में एक बैलेंस होना चाहिए आपके डायट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर पियाली, जो आपने बात कही है कि आजकल जो जूस है वो ज्यादा दिए जाते हैं, फ्रूट्स तो बिल्कुल गायब हो गए हैं, फल हमारी थाली से गायब हो गए हैं। ठीक कहा आपने। और मैं एक सवाल करना चाहूंगा आरिफ जी आपसे, जिस तरह आपने बताया कि ये शुरू ही होता है पेरेंट्स से, पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर स्कूल में क्या ऐसे अभियान चलाएं हम, बच्चों को जागरूक किया जाए कि अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे तो अच्छे से रहेंगे, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करेंगे तो बेहतर होगा, ये चीज़ें जो आप खा रहे हैं ठीक है, एक लिमिट तक बहुत आप खा सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना, ठीक तरह से आपका डाइट चार्ट होना, स्कूल में भी होना चाहिए सब कुछ? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, होना भी चाहिए और ये हो भी रहा है। ये कई स्कूलों ने, जैसे मैं अभी देखता हूँ छोटे छोटे जो नए स्कूल शुरू हुए हैं, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो प्ले ग्रुप और प्रीनर्सरी के रूप में चल रहे हैं, वो एक डाइट चार्ट बना के दे देते हैं अपने पेरेंट्स को और हफ्ते हफ्ते का उनका डाइट चार्ट होता है, जिसमें ये होता है कि आज आप अपने बच्चे को ये चीज़ें देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है उनकी पहल। लेकिन थोड़ा सा अगर बच्चा बड़ा होता है तो उसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि अगर जैसे स्कूल के अंदर कैंटीन कोई बंद करना भी चाहे तो सबसे पहले उसका विरोध करेंगे अभिभावक, क्योंकि इस घटना, ये घटना हमारे साथ साक्षात हो चुकी है, स्कूल के अंदर एक कैंटीन खुलने जा रही थी जिसका विरोध हम लोगों ने किया। सोल्यूशन ही हो सकता ना कि कैंटीन बंद करने की जगह वहां पर कुछ ठीक तरह से खाना, अच्छा खाना दिया जाए। चलिए ठीक है, कैंटीन बंद ना करें, लेकिन वहां पर खाना तो ठीक मिले? नहीं दे पाएंगे ना, अच्छा खाने नहीं दे सकते हैं आप, मैं बताता हूँ, क्योंकि जो भी कैंटीन संचालक होगा वो केवल मुनाफे के लिए वहाँ कैंटीन संचालित कर रहा है, ना कि बच्चों की सेहत के लिए। अगर वो बच्चों की सेहत का ख्याल रखेगा तो उस हिसाब से उसको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और सभी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। चूंकि फास्ट फूड में ही सबसे ज्यादा मुनाफा है, दुगने का मुनाफा है, तो इसलिए अधिकतर दुकानदार जो है फास्ट फूड रखते हैं और बच्चों को पसंद भी फास्ट फूड ही आता है, क्योंकि उसमें जितने मसाले होते हैं उस मसालों के अंदर जो अजीनोमोटो स्वाद देता है वो आपका घरेलू खाना नहीं देता है। इसी वजह से एक चीज और, एक चीज की तरफ और ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, और वो है स्ट्रीट फूड। हम आमतौर पर देखते हैं कि हाइजीन का, जैसे बताया है डॉक्टर पियाली ने, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और साधना जी, आपको लगता है कि घर से इसकी शुरुआत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि
पहले जिस तरह से सुबह ब्रेकफास्ट होता था, उसके बाद नाश्ते के बाद दोपहर का खाना ठीक तरह से, फिर रात का खाना हम जल्दी खा लेते थे ताकि हम सोने जाएं जब तक वो खाना पच जाए, जो साइकिल है ये भी पूरा गड़बड़ा गया है। फास्ट फूड और इस तरह से डाइट चार्ट बिगड़ना, ये बच्चों के लिए हानिकारक है। देखिए, फास्ट फूड खाना एक लोगों ने फैशन बना लिया है। आज लोगों का फैशन ये है कि लोग कहते हैं कि आज हमने अमेरिकन खाना खाया, आज हमने चाइनीज खाना खाया, आज कॉन्टिनेंटल फूड खाया, तो एक फैशन से बना लिया है लोगों ने ये। कहीं में किसी शादी में भी हम जाते हैं तो फास्ट फूड, देखिए कॉन्टिनेंटल फूड, अमेरिकन फूड, चाइनीज फूड की दुकानें की दुकानें लगी होती हैं। तो एक लोगों में ये जो पाश्चात्य संस्कृति की ये जो झलक दिखाई देने लगी है ना, एक जो हावी हो गई है उनके ऊपर, लोगों के जहाँ वो जीन्स, चश्मे और जैकेट्स पाश्चात्य संस्कृति से लेके आए, वो उन्होंने खाना भी अपना लिया और वो खाना भी उन्होंने डिब्बा बंद खाना, फास्ट फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, तरह तरह के ड्रिंक्स इतने आ गए हैं, वो स्वास्थ्य के लिए इतने हानिकारक हैं। ये सबसे पहले मम्मियों को जागरूक करने की जरूरत है। हम लोग भी हर साल करते हैं ये जागरूक करने का कार्यक्रम, हम पारंपरिक खान की प्रतियोगिता कराते हैं और उसमें हम बताते हैं मम्मियों को और महिलाओं को, बच्चों को, कि देखिए हमारी जो थाली है इसमें सारे गुण गुण विद्यमान है, उसमें दाल, रोटी, चपाती, सब्जी और कुछ खीर वगैरह, मीठा कुछ भी लीजिए आप, तो उसमें हमारा जो पारंपरिक खान पान है वो सारा उसमें सारे पौष्टिक तत्व विद्यमान है, आप उसी को अपनाइए। देखिए जो शास्त्रों में भी कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि देखिए अपना खाना, जैसे हम अच्छा खाना खाएंगे तो अच्छी बातें करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे लोगों में सोच पैदा करेंगे, तो इसलिए जरूरी है कि हम खान पान पे बहुत ध्यान दें। क्योंकि हमारे लापरवाह जीवन में जो आजकल भाग दौड़ की लाइफ हो गई हम लोगों की, तो उसमें लोग क्या है कि जो जल्दी से हाथ में खाना आ जाए उसी को हाथ में लेके खा लेते हैं, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में जो शामिल हो रहा है। हम देखिए अजीनोमोटो हो गया, इतना फैट हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये कि रोज़मर्रा जो शामिल हुआ है जंक फूड, ये एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। और एक बच्चे का उदाहरण हमने देखा है, भले ही वो बाहर हो लेकिन बीमारी बहुत सारे बच्चों में देखी गई है, चाहे वो शुगर की हो, डायबिटीज़ की हो, ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं। डॉक्टर पियाली, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो, आपने जैसे कहा कि पेरेंट्स को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, वो जंक फूड की तरफ उन्हें ना ले जाएं, लेकिन जो अभी बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और बच्चे ज़िद पर अड़ जाते हैं, वो अब क्या कर सकते हैं? देखिए, इन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये बच्चे जो हैं ये 18 साल तक के जो एडोलेसेंट्स हैं या जो किशोर अवस्था तक हैं बच्चे, इन बच्चों के ब्रेन की जो मैच्योरिटी होती है वो सिर्फ रिवॉर्ड को समझती है, रिस्क को या कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझती है। ये ऑलरेडी एमआरआई से देखा गया है कि ब्रेन इनका इतना मैच्योर या डेवलप्ड नहीं होता है। और ये जंक फूड्स और नुकसान करते हैं, क्योंकि ये जंक फूड्स जो हैं ब्रेन के अमाइनो एसिड से जिससे ब्रेन बनता है उसको प्रॉब्लम करते हैं, एंड ब्रेन के एक जगह होती है हिप्पोकैम्पस जो कॉग्निटिव बिहेवियर को इफेक्ट करती है बच्चे के, उसको बनने नहीं देती है या उसका हाइपो वो बनता है, तो उसकी वजह से इनकी कॉग्निटिव समझने की, मेमोरी की, लर्निंग की क्षमता भी काफ़ी कम हो जाती है। नॉट ओनली दैट, टीथ में ये सोडा की वजह से इरोशंस होते हैं, एनामल खराब हो जाता है, कम आयु में ही इनके दांत भी खराब हो जाते हैं। नॉट ओनली दैट, आपका इनकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं और इजीली इन लोग के हड्डियां फ्रैक्चर होती हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के चलते मेरे ख्याल से, और जब इनका ब्रेन इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि रिस्क फैक्टर क्या है, तो हमें इनको समझाने के लिए एवरीडे खाने के साथ में बहुत ज्यादा बिंजिंग नहीं अलाउ करना चाहिए। पैसे तो हम ही देते हैं, क्योंकि और नॉट ओनली दैट, रोज कह चुके हैं फिटनेस के लिए, और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे देश में थाली में से मोटा अनाज गायब हुआ है, तो बच्चों को फास्ट फूड की जगह अच्छा खाना दें, मिनरल दें, विटामिन दें। टेस्ट आप बदल सकते हैं किसी दिन जाके, लेकिन हर दिन ये खाना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस खास और अहम मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चे भी सावधान रहें, उनके माता पिता भी सावधान रहें, खाना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है अच्छा खाएंगे तो अच्छे से आप रहेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे और ठीक तरह से
सभी काम कर पाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मचाइए।